वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर वन में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। मैं भीमा चित्रा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको मैं जो बात करने वाला हूं, गोरखपुर से सीएम योगी यानी कि हमारे आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्वयं सहायता समूहों को देंगे 70 करोड़ रुपये की सौगात, ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। जितनी भी बहनें वीडियो को देख रही हैं, फटाफट वीडियो के साथ बने रहें और पूरी इंफॉर्मेशन सुने कि ये 70 करोड़ का माजरा क्या है। और ये खबर आज की है, अपडेट यहां पर देख सकते हैं, संडे 24 अक्टूबर 2021, और ये 9:30 समथिंग 10 बजे की न्यूज है दोस्तों। 2 घंटे पहले की खबर है और मैं आपको पूरी प्रक्रिया समझाने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हैं 70 करोड़ रुपए की सौगात की बात की जा रही है। तो चलिए दोस्तों पूरा सारांश देखते हैं इसका, बस वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को एक लाइक करिएगा हमारे मोटिवेशन के लिए, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। यहां पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का राज्य ऋण संगोष्ठी एवं ग्रामीण समृद्धि सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और यहीं पर आपको बता दें कि महायोगी गुरु गंभीरनाथ परोच गृह भवन सभागार में शाम 4 बजे से आयोजित होगा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी जी होंगे शामिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितनी भीड़ आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पर ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ पर जनता जनार्दन बैठी हुई है। और चलिए सौगात देखते हैं आखिर क्या है सौगात। गोरखपुर में सीएम योगी नाथ जी की ये लाइव तस्वीरें हैं, फोटो देख लिए आपने। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं योगी जी की बहुत बड़ी जो सिस्टम है, जो उनका ऑफर है क्या है भाई, देखते हैं। आदित्यनाथ जी रविवार यानी कि आज के दिन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक राज्य ऋण संगोष्ठी 2022-23 के तहत ग्रामीण समृद्ध सम्मान 2021 कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं पर महायोगी गुरु गंभीरनाथ प्रोच गृह में शाम 4 बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बड़ौदा यूपी बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 55 करोड़ रुपए वितरित करेंगे। वहीं पर स्वयं सहायता समूह की बहनें भी ध्यान से देखें, वहीं पर स्वयं सहायता समूह की बहनों को 14.82 करोड़ यानी कि समथिंग 15 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। ये क्या गजब की बात है दोस्तों। तो 55,000 दोस्तों किसके हैं, किसान के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यक्रम की तैयारी शनिवार से ही शुरू हो चुकी है, अंतिम रूप दे दिया गया है यानी कि सारी डेकोरेशन फाइनेंशियल सब कुछ मतलब सिस्टम डेकोरेट हो चुका है। डीएम विजय किरण आनंद जो गोरखपुर के डीएम है, उनका नाम है विजय किरण यादव, कमाल का नाम है दोस्तों। इन्होंने इंद्रजीत ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों की जायजा लिया और रविवार शाम 4 से 5 यानी कि आज शाम से 4-5 बजे के बीच आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में नाबार्ड मुख्य जो प्रबंधक है यानी कि नाबार्ड के जो मुख्य महाप्रबंधक हैं दुष्यंत सिंह चौहान की अध्यक्षता में होंगी। और वहीं पर कार्यक्रम में गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बलिया, फैजाबाद, अयोध्या, आजमगढ़ समेत 11 जिलों के 1100 किसान और समूह की महिलाएं शामिल होंगी। तो अगर आप इस सुनहरा अवसर में शामिल होना चाहते हैं तो पहुंच जाइए गोरखपुर और एकदम मिलिए योगी जी से, अपनी बातें रखिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, फिलहाल इतने डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोरखपुर तो हो गया, महाराज, देवरियागंज, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बलिया, फैजाबाद यानी कि जिसको अयोध्या बोलते हैं, ठीक है, आजमगढ़, भैया मेरा अपना खुद का जिला भी वहां पर शामिल होने वाला है जिसमें 1100 किसान के लोग हैं। तो बिल्कुल चलिए दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन। जो भी प्रश्न होंगे आप फटाफट कमेंट में छापिएगा, फिलहाल इतना जानिएगा कि ये लाइव खबर आपको एकदम करेक्ट खबर है। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि भीमा चित्रा नाम से, वहां पर आप जुड़ के अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। साथ में आपको बता दें यहां पर आपने पूरी बातें जान ली किसको क्या मिलने वाला है। तो ये 70 करोड़ यानी कि 70,000 करोड़ की सौगात है दोस्तों, बिल्कुल ये योगी जी की तरफ से है और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितनी भी बहनें बीसी सखी हैं, स्वयं सहायता समूह है, सभी लोग जुड़ी रहे, कोई छोड़ेगा नहीं। इस बेरोजगार गाड़ी के आलम में मिलेंगे ऑफर, आपको मिलेंगे, इस बात को आप लोग जान लें, समझ लें और अच्छे से काम करते रहें। तो चलिए मस्त रहना, स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना और जिंदगी में हरदम हंसते रहो। हंसना जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी को इस अंदाज में जियो कि लोग देखकर कहें वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत है। दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में और भी कुछ स्पेशल खबर लेकर जो आपके लिए होगी बहुत ही शानदार जबरदस्त। तो मिलते हैं, जय हिंद, नमस्कार।